जी। ये बड़ा बेटा है माँ जी, आप मुझे ये बताएं कि हमने तो तलाशी की है इसी चौसा इसी चौसा। हाँ, आप यहाँ पर आई इसी पर माई, इससे अपनी जुबान में पूछे कि इसका शोहर कहाँ है, ये भी बताएं कहाँ है आपका शोहर। सच बताना, झूठ नहीं बोलना आपने। रोना नहीं, देखे देखे माँ जी, आप देखिए रोना नहीं माँ जी, आप हमें ये बताएं। अच्छा, कैमरे पे नहीं आना चाहती, चलो हमारा कैमरामैन साहब इस तरह करेगा। अब मुझे बताएं कि आपका शोहर कहाँ है। अंदर है। अब कहाँ पर? इधर ही है। अच्छा, इधर 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 ही। अच्छा, खोलिए इसको, खोलो नाज़रीन। इस वक्त हम उसी घर में दाखिल हो रहे हैं, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर एक बाबा जी को बांधा हुआ है और यहाँ पर पुलिस के साथ हम यहाँ पर आए हैं। ये हमारे साथ इन्फॉर्म यही करें, यही। अच्छा, ये यहाँ पर आए सर, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए। अच्छा भाई, आप कौन? मैं इस घर का मालिक हूँ। घर का मालिक है। आपके और भाई कहाँ हैं? घर में बाहर गए हैं। बाहर गए हुए? अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपका बाप कहाँ है? वो काम पे गया। काम पे गया, काम पे गया। जोड़ने को तो मेरे साथ वो काम पे गया। झूठ बोल रहा है। देखें सर, आइए और कमरे देखें, आइए। ये भाई कौन है यहाँ पे? आप कौन? उसामा। उसामा, उसामा तो नाम है आपका, आप यहाँ के क्या है? ये मेरे वाला साहब का घर है। वाला साहब का घर है। सर, कहाँ है तेरे बाप का है? काम पर गया। सच बताओ कहाँ पे है? झूठ बोल रहे तुम। ये यहाँ पर एक साधन, आइए सर, आइए आइए। कौन है अंदर? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? इधर हम मीडिया से सोशल वर्कर हैं, इस सिलसिले में आए हैं। इस सिलसिले में आए कि भाई बताते हैं तुम्हें किस सिलसिले में आए। यही है, यही है। अच्छा सर, ये हमारा इन्फॉर्मर, जैसे मैंने आपको सब कुछ दिखाया था, ठीक है ना? हम इसके मसला ये है कि आपका बाप कहाँ है? वो काम पे गया। झूठ नहीं बोलो, सच बताओ कहाँ पे तुम्हारा बाप? काम पे गया। झूठ बोल रहे हो तुम? काम पे गया सर, काम पे गया। देख लीजिए अभी काम पे गया। ये तो कह रहा है काम पे किया है। अच्छा, ऊपर हाल है? हाँ, ऊपर भी है कमरा ना? कमरा नहीं है, बस वैसे स्टोर रूम अपना है। चल आइए, चलो 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 चलो। देखिए ना जी, हमारे साथ यहाँ पर लेडीज पुलिस भी हैं और इस घर पे जैसे हम चापा मारे, इसको यहाँ पर रखें। हम यहाँ पर आए हैं और जिस बाबा जी को हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी मीडिया के थ्रू, माँ जी, ये क्या, ये आपका क्या लगता है? ये मेरा बड़ा बेटा। ये बड़ा बेटा है? बड़ा बेटा। ये आपकी माँ? हाँ जी। ये बड़ा बेटा है? हाँ जी। आप मुझे ये बताएं कि हमने तो तलाशी की है इसी चो साहब, इसी चो साहब। हाँ, आप यहाँ पर आई इसी पर माई, इससे अपनी जुबान में पूछे कि इसका शोहर कहाँ है, ये भी बताएं कहाँ है आपका शोहर। सच बताना, झूठ नहीं बोलना आपने। रोना नहीं, देखे देखे माँ जी, आप देखिए रोना नहीं माँ जी, आप हमें ये बताएं। अच्छा, कैमरे पे नहीं आना चाहती, चलो हमारा कैमरामैन साहब इस तरह करेगा। अब मुझे बताएं कि आपका शोहर कहाँ है? अंदर है। अब कहाँ पर? इधर ही है। अच्छा, इधर 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 ही। अच्छा, खोलिए इसको, खोलो। आप तो कह रहे कि हमारा बाप काम पे किए हुए हैं? काम पे किया है बाप। हाँ, काम पे किए हुए। सच कह रहे हो? हाँ। चाबी 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 ये हाँ, दरवाजा खोले, दरवाजा खोले। यहाँ पर बहुत ज्यादा बदबू है। Ah
बाबा जी उठिए, बाबा जी हम हैं पुलिस है, आपके मुहाफिज के लिए आपके मुहाफिज हैं, यहाँ पर आए। बाबा जी उठिए उठिए उठिए, इसी जो सब इसको बोले, ये हमारे साथ पुलिस भी आई है, ये देखिए, ये देखिए नाजरीन, यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा गंदगी है, बहुत ज्यादा स्मेल है, ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज्यादा गंदगी है यहाँ पर, इनको जंजीरों से बांधे हुए हैं। हमारा कैमरामैन साहब आप लोगों को दिखा रहे हैं, कहा है उनको, उनको पकड़े, उनको कहें क्या इसको आजाद करा दें, जल्दी से इसको चाबियां लेकर आए और इसको खोल ले, जल्दी जल्दी शाबाश, ऐसी जो साहब इनको कह दे कि इसको खोल ले। और बाबा जी ये चाबियां, इसको बोलो कि भाई चाबी ले आए, इसको आजाद करवाए जल्दी जल्दी। बाबा जी क्या हाल है, बात नहीं कर सकते, हालत है जी, मुर्दों से बदतर हालत है, मुर्दों से बदतर हालत है। ये किसने का ये हाल आपका किसने किया, ये देखे इसके हाथ, ओह ये मेरे तीनों बेटों ने, अभी तीनों बेटों ने किए, ये इसको खोल ले, इसको खोल ले। बाबा जी आप मुझे ये बताए कब से बांधे हुए आपको, ये मुझे 6 महीने हो गए जी, यहाँ बांधे 6 महीने हुए हैं। बाबा जी पानी शानी पिए, नहीं जी नहीं पिए, दो दो तीन तीन दिन मुझे खाने पीने के लिए कुछ नहीं देते। इसी चो साहब जैसे बकौल है इस बड़े बेटे की, हमें जो आपको इन्फॉर्मेशन और हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, इन्होंने आपके सामने ही कहा कि बाबा जी काम पे गए हुए हैं, और जैसे इन्फॉर्मर ने आपको भी बोला था कि इस घर के अंदर ही मौजूद है और निकल आए हैं, तो बाबा जी आप यहाँ पर आइए। सारा ये जो प्रोग्राम है हमने आप लोगों को दिखाया कि हमारे साथ पंजाब की जो पुलिस है, एसी चो साहब, इसमें लेडीज़ पुलिस हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और हमारे साथ यहाँ पर आना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन थी एसी चो साहब और फिर आगे डीएसपी साहब के साथ बात की, क्योंकि हमने यहाँ पर पुलिस ने अपना जो इन्फॉर्मर है वो यहाँ पहले पर भी भेजा था, लेकिन कुछ मिला नहीं था। जो हमें इतला मिली थी नीचे वॉशरूम की मिली थी, तो वॉशरूम में इनका बेटा वहाँ से निकल आया, तो हम भी हैरान हो गए, शायद हमने कोई गलत जगह पर छापा मारे पुलिस के साथ। फिर जब हम ऊपर आए और अम्मी जी ने कहा कि कमरे के अंदर है, तो हमारा डाउट क्लियर हो गया और हमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे हम किसी के घर पर छापा पुलिस के साथ करें और वो गलत निकले तो उल्टा हमारे ऊपर ही सब कुछ आएगा। तो इसी जो साहब हमारे साथ मौजूद है, इसी जो साहब मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे साथ यहाँ पर आ गए हैं, डीएसपी साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब इनके हवाले साहब क्या कहना चाहते हैं, ये जो इनका बड़ा बेटा है, पहले तो मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ, इसी जो साहब आप मुझे ये बताएं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो आप ही की थी, आप मुझे ये बताएं कि इस बाप को आपने क्यों बांध करके रखा था। मकान वगैरह जो है हमारे नाम नहीं कर रहे थे। अच्छा मकान आपके नाम पर नहीं कर देते हैं, तो आप क्या करते कि अपने बाप को बांध रख देते हैं। वो हमें घर से निकाल दें। अच्छा तो इसके खातिर आपने इसको बांध करके रखा था। हमने नहीं बांधा इनके, वो बस। अच्छा ये खुद जाके वहाँ पर इसने ताले वगैरह लगाए और पीछे से कुंडी लगा के ये अंदर चले गए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बातें करने वाली, बाप माँ बाप के साथ ऐसे करते चलू, एक मकान की खातर आप कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। आज आप इसके साथ कर रहे हैं तो कल आपकी औलाद भी करेगी। बिल्कुल इसी चो साहब ने जो फरमाया कि जैसा करनी है वैसा बननी है, आज इन्होंने इसके साथ किया, कल इसके साथ भी ये हो सकते हैं। और जैसे इसने कहा बकौले, और ऐसे इससे भी कहा था कि ये काम पर गया है, और इसने भी कहा था कि ये काम पर गए हैं, तो तीनों बेटों ने मिलकर अपने बाप को ही बांधा था। यहाँ पर हम आए तो हमारी एक छोटी बहन है, मैं इससे भी पूछना चाहता हूँ, सलाम अलैकुम। बहन डरना नहीं, अपने भाई से भी नहीं डरना, पुलिस आपके मुहाफिज है, पुलिस भी साथ में है, सच सच बता दें आप, आपका बाप को, जो आपका ये बाप है, इसको क्यों बांध करके रखा है। आप डरो नहीं, आप डरो नहीं, क्यों बांध करके रखा था इसको। हिस्सा मांग रहे थे, कह रहे थे हमें हिस्सा दे। अच्छा हिस्सा के लिए। हाँ। तो आपका बाप इनको हिस्सा नहीं दे रहा था। नहीं।
ये हिस्से मतलब जब बाप जिंदा होते हैं तो हिस्सा तो बेटों का बनता ही नहीं है, ये हिस्सा क्यों मांग रहे थे अपने बाप से? पता नहीं, कह रहे थे हिस्सा हमें चाहिए, पापा कह रहे थे हमने अपनी बेटी के नाम करना। आपके नाम पे करना? अमित जी अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे ये बताए कि ये जो आपके तीनों बेटे हैं, आपके शोहर को बांध करके रखा था कमरे के अंदर, आपने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं की? नहीं करने देते थे, कहते थे कि आपको भी मारेंगे, आपको भी बांध देंगे, आपको भी बांध देंगे। पड़ोस में किसी को पता था? नहीं। अच्छा, तो जैसे मैंने बाहर पूछा, कमेंट्स लिया मैंने, सब कह रहे थे कि ये बच्चे बदतमीज है, ये अयाशी करते, जुआ खेलते, और मोहल्ले वाले बोलते थे कि हमें पता था, लेकिन इनकी डर के मारे कोई इसको नहीं कह सकते। मोहल्ले वाले को तो पता है अम्मी जी? हाँ, ये नशा करते हैं, कहते हैं घर हमारे साथ नाम लगा दो, जुआ खेलते हैं, बुरी सोबत में बैठते हैं, तो वो कहते थे कि मैंने अपनी बीवी और बेटी का नाम करना घर। अच्छा, उसकी वजह से इन्होंने उनको अंदर बांध दिया, जबरदस्ती की, तशद्दुद किया। अच्छा, इनको खाना देते थे आप लोग? नहीं देने देते थे, ताला लगा देते थे, चाबी उनके पास होती थी, कभी कभी दिन में एक दफा या दो दिन बाद पानी पिलाते थे, खाना कभी दे देते थे, कभी नहीं देते थे। आप ये सब कुछ कैसे सह लेती? मैं बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही थी, मैं तो हम माँ बेटी इधर बाहर ही बैठी रहती थी इनका ध्यान रखने के लिए। अच्छा बाबा जी, पानी तो पिया, अभी बात तो कर सकते हो ना? जी, थोड़ा बहुत बातें तो कर सकते हो ना? जी। अभी जो अब हमने ये पुलिस के साथ छापा किया, कितने दिनों के आपने खाना नहीं खाया? 6 दिन हो गए जी, खाना नहीं दिया इन्होंने। 6 दिन तक आपको खाना नहीं दिया? जी। अच्छा, वो कहते हैं ना कि कुछ हिस्सा बेटों के नाम पर भी होते हैं, तो आपने कुछ इस घर की प्रॉपर्टी का कीमत कितनी होगी? 1 करोड़ 2 करोड़ कितनी है? 1 करोड़ के करीब पहुंच गई है अभी। अच्छा, तो आप अपने बेटों को अपना हिस्सा क्यों नहीं दे रहे थे? अयाश है। अयाश है जी, जुए में उड़ा देंगे। अच्छा, तो जैसे आपकी घरवाली कह रही है और ये बेटी भी कह रही है कि ये घर हमारे नाम कर रहे थे, तो इसलिए इन्होंने आपको बांध करके रखा था यहाँ पे? जी, मेरे मरने के बाद इनके पास ही रह जाना है ना। अच्छा, मैंने कौन से दुनिया सा लेके जाना है इसको। अच्छा 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 अच्छा, आप मुझे ये बताएं, इनके लिए बद्दुआ निकलती है आपके दिल से? औलाद है, बद्दुआ कैसे दे सकता हूँ? आपको मारा पीटा है यहाँ पे? जी। मारा पीटा भी आप? तीनों ने मारा जी। अच्छा, आप इससे पहले क्या काम करते थे? आपसे पैसे लेते थे? मैंने ऐसे सुने कि आप सुपरवाइजर थे यहाँ पर, एक कंपनी में मुलाजिम थे आप, जो 1 लाख 1.5 लाख तनख्वाह लेके आते थे, ये भी आपसे लेते थे? जी, ये तीनों काम नहीं करते थे, निकम्मे थे, बार बार इनको कहता था कि काम करो यार, कुछ बनाओ। अच्छा, ये आप ही की जायदाद है, इसको बढ़ाओ, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं बात सुनी, मेरी बीवी पे भी तशद्दुद किया, बेटी पे भी तशद्दुद किया। अच्छा, अब अगर ये तो पुलिस लेके जाएंगे ना जी, तो आप लोग फिर इनके पीछे जाएंगे छुड़वाने के लिए? बिल्कुल नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। आपके साथ इन्होंने बहुत ज्यादा बुरा सलूक किया है, बहुत मारा पीटे हैं, तो आप पंजाब पुलिस के लिए क्या कहना, क्या अल्फाज, क्या अपने लिए, क्या उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? अगर ये पंजाब पुलिस ना हो तो हम जैसे लोगों का जिंदा दरगोर कर दे ऐसी औलाद। बाबा जी की बात आप लोगों ने सुनी, आप इसी चौसा से भी थोड़ा बातें करना चाहते हैं? इसी चौसा साहब, आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप हमारे साथ आए, डीसीपी साहब का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इनका क्या करना है अभी? ये हमारा फर्स्ट था कि नहीं, हमने छुड़ा लिया इनकी कैद से, अब ये है कि इनको हम सख्त से सख्त सजा देंगे जी, इंशाल्लाह जितना हो सके, कि आइंदा आने वाली नस्ल ये याद रखे कि अपने माँ बाप के साथ